नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जो कलाकार जुड़ रहे हैं, उनका नाम, उनके गुरुओं का नाम, उनके परिवार का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत ही सम्मान से, बहुत ही आदर से लिया जाता है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि पंडित जी ने आज हमारे लिए समय निकाला है। पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी हमारे साथ है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पंडित जी, आप जैसे बड़े कलाकारों को, गुणी कलाकारों को जब इंटरव्यू करते हैं तो सबसे पहले मन में एक जिज्ञासा होती है कि आप लोग के बचपन के बारे में जाना जाए, ताकि पता चले कि ये जो बुनियाद है इस कला की, वो बुनियाद कहाँ रखी गई थी। तो कुछ बचपन की यादें ताजा कीजिए, कुछ बचपन के गलियारों में हमें भी ले चलिए। ऐसा है कि मुझ पर बचपन में संस्कार हुए थे संगीत के, क्योंकि मेरी माँ शास्त्रीय गाना सीखी थी मास्टर नवरंग के पास, और मेरे पिताजी जो थे वो पन्ना बाबू के शागिर्द थे, पन्ना बाबू पन्नालाल घोष जी, लीजेंड इन पन्नाल बासरी, तो उनके पास वो सीखते थे। तो और मेरे फैमिली थोड़ी आध्यात्मिक होने के कारण हर दिन भजन वगैरह होते ही थे, तो वो सुन सुन के, और ये भजन जो होते थे तो मेरे माँ बाप जो है एक सद्भक्ति मंदिर करके है, वहाँ आध्यात्मिक गुरु जुड़े हुए थे, तो वहां मेरे दादा के बड़े भाई साहब जो भास्कर राव बखले के शिष्य थे, तो उन्होंने भजन की सब ट्यून लगाई थी, तो सब शास्त्रीय रागों में, तो इसलिए अनजाने में वो शास्त्रीय रागों का एक इम्प्रेशन होते गया बचपन में। और मेरे पिताजी ऐसे भी रियाजी थे बहुत, तो रियाज करते थे, तो वो देख के देख के मतलब मैंने इम्बाइब किया। और एक मौका ऐसा आया कि जब पिताजी मेरे ऑफिस चले गए थे तो मैं उनकी बांसुरी लेके बजाने लगा अपने अंदाज से, तो मेरे ग्रैंडफादर जो अंदर थे उनको लगा है मेरे पिताजी जल्दी कैसे आ गए, वो देखने आए तो मैं बजा रहा हूँ। बजाना मतलब कुछ नहीं, सारे गामा पदा निर्मा जो ऐसे ही है जो सिंपल जी, तो उनको आश्चर्य लगा, कुछ बोले नहीं। शाम को आने के बाद पिताजी को बोला कि उन्होंने लड़का बजा रहा है, तो ऐसा ऐसा मैंने देखा। तो रात को मेरे पिताजी ने मुझे बुला के हाथ में बांसुरी दे दी, बोले बजाओ, तो मैंने बजाया, तो कुछ रिएक्शन बता ही नहीं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने दूसरे दिन मुझे एक ब्रास फ्लूट, बांसुरी बोलते ना जो ब्रांड में बजाते, ब्रास बोलते उसको, ब्रास बैंड का, जी जी जी, पीतल की होती है सामने से ऐसे बजती है, वो ला के दिए, वो मिली, तो मैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ बजाते रहा अपना अंदाज से, कुछ ना कुछ भजन का तो निकालना है, जो भजन सुना है वो करना है, बजाना है। इसे करते करते उन लोगों को लगा कि मुझे टैलेंट है थोड़ा, तो मुझे सिखाना चाहिए, तो मेरे पिताजी ने मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू कर दिया। फिर उनको ऐसा लगा कि मुझे पन्नालाल घोष जी के पास लेके जाना चाहिए, उनके गुरु के पास, तो वो मुझे मेरे उनके गुरु के पास लेके गए, जो हमारे लिए आराध्य देवत थे मेरे लिए, क्योंकि बचपन में ही उनकी मतलब नाम सुन के उनका आदर ऐसा मतलब भगवान जैसे उनका ये जो था इमेज हमारे घर में, तो इसके लिए मेरे लिए भी वो भगवान जैसे ही थे। तो उनके पास गया और सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे सिखाना शुरू कर दिया, मुझे अपने घर में आने की अनुमति दी, तो हर महीने मुझे वहां जाना मिलता था पिताजी के साथ। वो पूछते थे कि स्कूल में, उनका एक ये था कि स्कूल का पढ़ाई छोड़ के ये नहीं करना है, स्कूल की पढ़ाई इम्पोर्टेंट, तो पूछते थे कि स्कूल में क्या किया, क्या पढ़ाया, बराबर से स्टडी किया कि नहीं, तो फिर मुझे तालीम देते थे। और उनके यहाँ ऐसा होता था कि मैं सबसे छोटा, 7 साल की उम्र मेरी, फिर मेरा होने के बाद वो मिडिल स्टैंडर्ड के मतलब जो मेरे से उम्र में बड़े थे, और वो भी मतलब
नए थे सीखने में, उनके साथ बैठ के रियाज करते थे पलटों का। फिर उसके बाद में सीनियर स्टूडेंट जो थे, मेरे पिताजी थे, विजी कर्नाड जी थे, पंडित राजबिहारी देसाई जी थे, और हरिपाद चौधरी जो थे, उनके साथ बैठ के फिर वो रागदारी की तालीम शुरू होती थी। तो बैठ बैठ के मैं वो भी सुनना करता था, और कभी रात को 11 के बाद मुझे नींद आती थी, मुझे पता नहीं चलता था। तो ऐसे मेरे संस्कार हुए। पंडित जी, ये मतलब चूंकि जो रागगिरी का मंच है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद ना पता हो, उनके लिए मैं बता दूं कि अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत में जब भी बांसुरी वादन का नाम लिया जाएगा, वहां पंडित पन्नालाल घोष का नाम संभवतः कहना चाहिए कि सबसे बड़ा नाम है। और जो परंपरा उन्होंने शुरू की, उस परंपरा के कई टॉर्च बेरर्स हैं जिसको अब लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग को पंडित जी उनको देखने का सौभाग्य नहीं मिला। मतलब अब वीडियोज में जरूर हम लोग उनको सुन लेते हैं, लेकिन आपको तो ये सौभाग्य मिला, जैसा अभी आप कह भी रहे थे, आपने उनसे सीखा, वो आपके पिताजी के भी गुरु रहे और फिर उन्होंने आपको भी आशीर्वाद दिया। कुछ और बातें उनके बारे में बताइए, कुछ और शेयर कीजिए उनके व्यक्तित्व के बारे में, ताकि उनको भी हम समझ सकें कि कलाकार के तौर पर तो हम जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर पन्ना बाबू की क्या शख्सियत थी। देखिए, एक इंसान करके उनसे जैसे महान इंसान नहीं हुआ, इंसानियत थी उनमें बहुत। गरीबों के लिए उनको बहुत दुख था। तो कलाकार तो बड़े बड़े थे ही, लेकिन उनको एक फिजिकल कल्चर का एक शौक भी था। और उन्होंने जुजुत्सु भी सीखा था, मार्शल आर्ट, और संथाल लोगों के साथ उन्होंने फ्रीडम फाइटर में मूवमेंट में जो हिस्सा लिया था। तो एक ब्रिटिश कंपनी में जब काम कर रहे थे तो उनका जो तबादला किया गया, मतलब वर्ड बराबर मालूम नहीं, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर जो करते हैं, तो ट्रांसफर उनको संथाल एरिया में कर दिए थी, जो बहुत रिस्की एरिया माना जाता था। और वहाँ उनके एडवांटेज के लिए उन्होंने सब मार्शल आर्ट वहाँ सीख लिए, मतलब तीर कमान चलाना, बांबू का चलाना, और बॉक्सिंग का जो चैंपियन थे, ऑल बंगाल चैंपियनशिप उन्होंने जीती ली थी बॉक्सिंग में। और फिर अनेक दूसरे गुरु करके उन्होंने एक जापानीज एक आर्ट रहता है कुश्ती खेलने का, जुजुत्सु बोलते हैं उसको, वो भी सीख लिया था। तो इस तरह से उनको मतलब सभी तरह के मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग भी थी। और हम लोग बचपन में उनके घर जाते थे, मेरी सिस्टर भी आती थी कभी संडे के दिन मॉर्निंग में। तो मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि उनका जो लंगोट था वो उन्होंने सुखाने के लिए डाला था गैलरी में। हम लोग बच्चे थे तो हम इतना बड़ा लंगोट, उनके मतलब हेवी थे, बहुत हेवी थे, मतलब जाइंट बोल सकते हैं उनको, हाइट नहीं थी लेकिन ब्रॉड थे बहुत। तो जो उनका लंगोट देख के हम लोग दोनों बच्चे हंस रहे थे, इतने में वो पीछे से आए और उन्होंने मतलब इंसल्ट नहीं लिया, वो हम लोगों के साथ मजा ले रहे उनके साथ। फिर मेरी बहन के हाथ में वो स्किपिंग रोप था, तो बोले बेबी लाओ, कैसे करती है तुम, देखो ऐसा करना है, ये करके उन्होंने जो स्किपिंग शुरू किया तो खाली घूम घूम आवाज आ रहा था रस्सी का, रस्सी नहीं दिख रही ऐसे इतना स्पीड में उन लोग, कि मतलब इतना हेवी आदमी इतना फास्ट कर सकता है, ये हम लोग के देख के आश्चर्य में हो गए। मतलब कि जैसे कि उनके पैर जमीन पे टिक नहीं रहे इतने फास्ट। तो ये मतलब एक अद्वितीय उनका ये था एबिलिटी था, कि फिजिकल भी वैसे ही था, एक मेंटल भी ऐसे ही था। वो जब वो उन्होंने मतलब रामकृष्ण मिशन से दीक्षा ली थी, स्वामी विरजानंद जी जो स्वामी विवेकानंद जी के डायरेक्ट डिसाइपल थे, तो उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी, और मेडिटेशन में वो बहुत मतलब इन्वॉल्व थे। तो हम लोग जब जाते थे तब वो उनका मेडिटेशन चलता था, मेरे पिताजी मेरे जाते थे तो उनका मेडिटेशन चलता था। तो मेडिटेशन के बाद में जब बाहर आते थे तब उनका चेहरा देखने जैसा होता था, इतना शांत और इतना मतलब तेज बोलने का, मतलब इतना प्रसन्न।
कोई भी आदमी उनको देखे तो इम्प्रेस हो ऐसे। और इन्वॉल्वमेंट जो बोलते हैं ना, जो इतना मतलब ध्यान भी करते तो इतना अंदर जाते थे कि उनको बाहर का कुछ समझ में नहीं आता था कि बाहर क्या हो रहा है। इतना डीपली जैसे समाधि में गए उस टाइप का उनका मेडिटेशन होता था डीप। क्योंकि दिवाली के टाइम हम लोग गए थे और जब बाहर आए तो बोले अरे बाप रे इतना आवाज हो रहा है। मतलब वो जब ध्यान में बैठे तो उनको पता ही नहीं था इतना फटाके चल रहे हैं, क्रैकर्स हो रहे हैं इतना है। वो जब उसमें से बाहर निकले तो उनको एकदम शौक, अरे इतना जोर हो रहा है, इतना शोर मच रहा है ऐसे। तो ये इतना डीपली आध्यात्मिक थे वो, तो इसलिए मेरे ख्याल से उनका संगीत भी वैसे ही था। और गरीबों के ऊपर अन्याय उनको बिल्कुल सहन नहीं था, क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग में जाते थे तो ट्रेन से ट्रेवल करते थे। तो ट्रेन में एक दिन आ रहे थे मालाड में रिकॉर्डिंग खत्म करके, तो एक चना चुरमुरे वाला जो वेंडर होता है वो ट्रेन में चढ़ गया और बेच रहा था। तो उसने में वो टीसी भी अंदर आ गया और टीसी ने वो चने वाले को डांटा, है तुम अंदर कैसे आ गए, अब मुझे पूड़ी बना के दो। वो पूड़ी बना के बिना पैसे देके खा रहा था। और जब टीसी पन्ना बाबू के पास आया टिकट, तो पन्ना बाबू ने जोर से वो लड़के को बुलाया, ए बच्चे इधर आ, इनको एक पूड़ी दे दो। वो बच्चे ने बेचारे पूड़ी दिया, तो टीसी थोड़ा नरमा गया, बोला ये क्या क्या, बोला नहीं खाओ इसको, खाना पड़ेगा आपको, जोर से ऐसा ये करके डटा के खाना पड़ेगा। तो बोला नहीं, वो खाया बेचारा डर के, उनके तबियत देख के वो तो टीसी भी थोड़ा डर गया, उनका चेहरा थोड़ा गुस्से में देख के दूसरा दिया, बोला और एक दो, बोला और नहीं खा सकता, बोला नहीं खाना पड़ेगा, वो टीसी को तुमको खाना पड़ेगा नहीं तो मैं गाड़ दूंगा तुमको इधर। तो वो बेचारा टीसी ने पैर पकड़े, तो बोले गरीबों के ऊपर अन्याय करते हो, बेचारा गरीब है इसलिए उसको ये बताते हो, तुम रोग बताते हो। ऐसे उनका नेचर था कि मतलब, और डर तो था ही नहीं उनको बिल्कुल किसी से, मतलब डर का बात ही नहीं थी। और आपने पंडित जी फिर अपने पिताजी से भी तालीम ली, तो पन्ना बाबू की तालीम में, और चूंकि पिताजी भी पन्ना बाबू के ही शिष्य थे, पिताजी की तालीम में क्या कोई फर्क था, या पन्ना बाबू की तालीम का ही एक्सटेंशन एक तरीके से आप देखते हैं अपने पिताजी की तालीम को? नहीं, मेरे पिताजी ना कॉपीकैट, पन्ना बाबू की स्टाइल जितनी उन्होंने कॉपी की ऐसे में कोई भी शिष्य ने की नहीं। क्योंकि शायद मेरे ख्याल से मैं ऐसा सोचता हूँ कि बाकी शिष्यों के ऊपर और किसी का प्रभाव गिरा होगा, इसलिए उनका थोड़ा सोचना। लेकिन मेरे पिताजी के लिए पन्ना बाबू एक और एक ही गुरु और वे की भक्ति थी, तो इसलिए उनका जो म्यूजिक था वो जितना भी उन्होंने ग्रहण किया वो बहुत सही मायने से ग्रहण किया। इसलिए उनका मतलब कभी बजाते तो मतलब बाकी शिष्य लोग हैरान होते कि वो बजाए पन्ना बाबू का इतना एक्यूरेट स्टाइल में बजा रहे, तो उसमें कुछ फर्क नहीं था उनके इसमें। और मैं एक कहता हूं कि मतलब जनरली स्पीकिंग, जनरली अभी आप देखते भी होंगे कि गुरु को सही सही कॉपी करना यही शिष्य धर्म होता है। एक ही मतलब गुरु जैसे अलाउद्दीन खान साहब या तो हमारे गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी, खाली ये दो लोग ऐसे मैंने देखे हैं, और भी हो सकते हैं, मैंने मेरे नजर में खाली ये दो लोग ऐसे आए कि जो शिष्य की पहचान करके उसका कैरेक्टर क्या है, उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब मेंटल ये कैसा है, वो देख के उनको सिखाते थे उनकी प्रकृति कैसी है, उनके प्रकृति के लिए क्या टाइप का म्यूजिक सूट होएगा, वो सोच के उन लोग सिखाया उन्होंने। इसलिए उनके हर एक शिष्य को उन्होंने जब ही सिखाया तो अलग ढंग से ही सिखाया। जब भी सबको सुनते हैं तो लगता है कि ये इनके शिष्य है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग होता है। लेकिन बाकी लोगों में आप देखेंगे तो गुरु को सही सही कॉपी करना यही एक मतलब शिष्य का बड़ा ध्येय होता है। बिल्कुल जी, जी आप पिताजी को वही हालत था। और पंडित जी क्या कोई चॉइस भी थी, क्या कोई विकल्प भी था कि बांसुरी के अलावा कुछ और भी कर सकते हो, संगीत सीख रहे हो तो कोई बात नहीं कि हम मैं बांसुरी बजाता हूं या
पन्ना बाबू से सीखा है, बांसुरी के अलावा कुछ और भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि बांसुरी ही बजाओ, या ये विकल्प नहीं था? और आपने क्या स्वयं तय कर लिया कि नहीं मुझे बांसुरी ही बजानी है? ये कैसे, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से आया? प्रोफेशनल लाइफ मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था बांसुरी बजाऊंगा, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट वेरिड थे। मुझे मतलब ड्राइविंग भी पसंद है, मुझे मैकेनिकल काम करना भी पसंद है, मुझे खेल कूद भी बहुत पसंद थी। मैंने मतलब काफ़ी उसमें प्रगति की थी, वॉलीबॉल बास्केटबॉल में, जहाँ पे मैंने स्टेट जूनियर स्टेट लेवल भी खेला और यूनिवर्सिटी कैप्टन भी रहा। तो इस हिसाब से मेरा वेरी इंटरेस्ट था। सबसे कम इंटरेस्ट मेरा था वो टाइम म्यूजिक में, तो पिताजी जबरदस्ती आके मतलब रियाज करवाते थे तो मुझे गुस्सा आता था, लेकिन क्योंकि बाहर की दुनिया में ज़्यादा और पसंद थी। लेकिन क्या एक मतलब एक नसीब का खेल होता है कि मैं म्यूजिक में ही आके गिरा वापस। और जब आप सीख रहे थे, जब शुरुआती दिन थे, जैसे आपने कहा कि ग्रैंडफादर ने सुना और उनको लगा कि पिताजी बजा रहे, एक वो समय था, फिर वो समय भी आया होगा जब आप बजाते होंगे सीरियसली और एक 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 सिंसियर शिष्य के तौर पर आपने सीखना शुरू कर दिया होगा, कुछ कार्यक्रम भी शुरुआत के हुए होंगे। वो समय कब आया जब पन्ना बाबू ने या पिताजी ने आकर कहा हो कि मतलब जो तालीम ले रहे हैं आप वो सही ले रहे हैं और उसमें वही सिंसियरिटी है या वही गंभीरता है जो होनी चाहिए? नहीं, अभी ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि पन्ना बाबू जी की डेथ जल्दी हुई। और क्या था, एक मजे की बात होती है कि जब बड़े गुरु के पास जाता है कोई शिष्य तो लोगों का एक्सपेक्टेशन वैसे ही रहता है। तो इत्तेफाक से मतलब एक बोलने के तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो टाइम में तो थर्ड स्टैंडर्ड में था स्कूल में, लेकिन मेरा जो स्कूल था पार्ले तिलक विद्यालय, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को बहुत बढ़ावा देते, मतलब संस्कृति को बहुत उन्होंने आगे बढ़ाया। तो जो प्रिंसिपल थे सब, वो उनको म्यूजिक भी बहुत पसंद था। तो जैसे पता चला कि ये लड़का पन्नालाल घोष के पास जाता है तो लोग सोचते कि अब कलाकारी है, उसकी लेवल क्या है समझ में नहीं आता लोगों को। तो मेरा प्रोग्राम उन्होंने गैदरिंग में रख दिया स्कूल में। अब हो गया प्रॉब्लम, अब क्या बजाना है। तो वो टाइम पन्ना बाबू गए थे दिल्ली, तो मेरे पिताजी ने और माँ ने मुझे भूप राग बताया। फिर भूप राग बताने के बाद फिर इतने में पन्ना बाबू आए तो मुझे लेके गए, तो बोले ऐसा ऐसा हो गया, इसको बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए। तो पन्ना बाबू ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल बजाना चाहिए, क्या तैयार किया है बताओ। तो फिर मैंने राग बजाया जो मेरे को माँ ने और पिताजी ने सेट करके दिया था। वो टाइम पे सेट ही करते थे, क्योंकि उतना अपनी प्रतिभा तो नहीं होती। तो मैंने बजाया तो पन्ना बाबू की ह्यूमिलिटी देखिए, इतने नम्र थे, विनम्र थे। वो मेरे पिताजी से परमिशन पूछ रहे, राव, उनको राव करके बोलते थे। राव मैंने कुछ एक दो चीज और बता सकता हूँ? तो पिताजी ने पैर पकड़ा, बोले आप उनके गुरु हो, मुझे क्यों पूछ रहे, आप जैसे आप ठीक समझो करो। तो पन्ना बाबू ने मुझे और एक दो तान मुझे बताई, तो मैंने बजाई तो बड़े खुश हो गए, ये भी बजा सकते हो, और एक तान दी तो वो भी बजाया। वो भी बजाने के बाद पन्ना बाबू बहुत खुश हो गए, बोले ऐसा उसको सजाओ, ढंग से उसको सजाओ। फिर बोले कि मैं एक तुम्हारी गत थोड़ी चेंज कर देता हूँ, और उन्होंने मुझे उनकी गत थोड़ी मेरे हिसाब से जो सूट होगी वो गत मुझे उन्होंने सिखाई, और बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो ऐसे उनका ये था। पंडित जी के साथ इस बातचीत में यहाँ पर एक विराम ले लेते हैं। कल रात एक बार फिर जुड़िएगा हमारे साथ और देखिएगा इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा, जहां हम बातचीत करेंगे पंडित जी की गुरु और भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान साधिका अन्नपूर्णा जी के बारे में।